हाय दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आप YouTube पे प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये काम करना है कि आपको अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर देना है। YouTube एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कॉर्नर साइड में आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, तो इस प्रोफाइल पिक्चर पर आप एक बार टाइप कर देना। टाइप करने के बाद दोस्तों आपके साथ कुछ नया इंटरफेस इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपने प्लेलिस्ट अगर बना के रखा है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं, पहली बार प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने पहले से भी प्लेलिस्ट बना के रखे हैं तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू ऑल का, ठीक है। हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे मेरे प्लेलिस्ट है और ये प्लेलिस्ट के नाम है। तो दोस्तों अब यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाने का ऑप्शन मुझे ऊपर साइड में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे नीचे साइड में आएंगे और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट। तो यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें वीडियो ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे का भी वीडियो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इसे कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से आएगा न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन पर यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जिस भी नाम से आपको प्लेलिस्ट बनाना है वो नाम यहाँ पे डाल देना। जैसे हम प्लेलिस्ट बनाएंगे न्यूज़ नाम से, एन आई, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एन आई बाई यू, यस यस हमने न्यू प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है आपको प्राइवेट यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ कर देना है, इस पर आपको टाइप कर देना है और यहाँ से आपको कर देना है पब्लिक, ठीक है। प्लेलिस्ट पब्लिक में ही रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट बना के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना सकते हैं और दोस्तों उसमें आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक वीडियो आपका देखा जाएगा तो ऑलरेडी जो है आपका दूसरा वीडियो उसके पास ओपन हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है प्लेलिस्ट का और प्लेलिस्ट किस तरीके से बनाना है। दोस्तों अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।